ये काट रहे हैं खीरा, उत्तराखंड का खीरा काट रहे हैं ये, देखिए ना यहाँ पे। और सब्जी जो है बन चुकी है, कम से थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं सोनी जोशी स्वागत करती हूँ आप सबका। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे हैं। और अभी जो है सुबह के 12:30 हो रहे हैं और मैंने सुबह का अपना काम कर लिया है और अब मैं दोपहर के खाने के लिए बना रही हूँ गांव का मूला। दिखाती हूँ मैं आपको गांव का मूला जो है। इसकी बुआ गांव में रहती है, बुआ उत्तराखंड में, मारुति की वो आ रखे हैं अभी हमारे साथी होने वाली, मैंने बताया था आपको कल। तो वो मूला और खीरा लेके आए, तो मैं मूला दिखाती हूँ आपको। खीरा तो मैंने रखा है छुपा के, खीरा ये है गांव का मूला, ठीक है। और उस मूली, मूला उस मूली, इसका बाद बड़ा भाई मूला। इसमें जो है आलू भी खींचे जाएंगे, तब बनेगा इसके साग और भात। और मैं दिखाती हूँ खीरा, खीरा हमें समझ में नहीं आ रहा था पहले क्या है वो, मैंने तो सोचा था पपीता है। साढ़े बारह ही तो हो रहे हैं, सुबह के नहीं हो रहे, दिन के हो रहे हैं। आदमी है क्या, आदमी से गलती नहीं होती क्या। ये है गांव का खीरा है, देखो पपीते जैसा नहीं लग रहा बिल्कुल, लेकिन ये पपीता नहीं है, खीरा है। आधा हम खा चुके हैं इसे, बढ़िया होता है खाने में ये। कम से कम 2 किलो का एक खीरा होगा, कम से कम 2 किलो का एक खीरा होगा। राधे वहीं बैठा है अपनी जगह में, कल वाली जगह में धूप सेक रहा है। और ये मूला होगा कम से कम 1/2 किलो का। ये भी आ गए हैं अपने दुकान से, दुकानदारी चला के। ये मैंने मूली काट दी है और ये लहसुन भी छील के रख दिए हैं और ये आलू है। अब इससे बटने से जो है इसे खींचूंगी मैं। ये इसको ऐसे खींचेंगे, मूली और आलू दोनों को। लहसुन को भी इसी के साथ में कर देंगे। ये मैंने थीच दिए आलू मूली, इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाल दी और ये प्याज और टमाटर भी काट दिया और इधर मैंने भात भी चढ़ा दिया है और मैंने सरसों का तेल डाल रखा है, इसमें सरसों के ही दाने डाले मैंने। लिया मैंने इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, जिस हिसाब से खाते हैं पहले ही नमक नमक डालने से जो है टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और अब मैं इसमें बाकी मसाला डाल दूँ, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, अब इसमें जो है ये डाल दूंगी मैं। तो मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में। अभी इसमें कम पानी डालेंगे ताकि जो है मसाले
इसमें हो मिक्स हो जाए अच्छे से, और बाद में डालूंगी और पानी। थोड़ा सा पहले इसी में पकाऊंगी कम पानी में। इसको ढक के रख देंगे, कम पानी में पकने देंगे। गैस को जो है ना ज्यादा कम ना ज्यादा, मतलब कम से थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे। ठीक है, खा दिया है मैंने सब्जी, अभी पानी बाद में डालूंगी उसमें थोड़ी देर में। राधे ने यहाँ पे देखिए गंदगी कर दी, यहाँ पे अमरूद खा रहा था ये, ये भी मेरे लिए काम बढ़ाता रहता है मेरा बेबी, प्यारा सा सुंदर। ये हो गई है सब्जी, अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। रोटी के साथ तो ऐसे भी चल जाती है ये, लेकिन भात के साथ थोड़ा तरी की चाहिए होती है। इसमें मैं लगाऊंगी आटे का आलन, इसमें है आटा। ये आटा है, आटे में मैंने पानी डाला, इसका आलन लगेगा सब्जी में। ये पानी डाल दिया मैंने इसमें, अब इसको उबलने देंगे। भात बन चुका है। ये काट रहे हैं खीरा, उत्तराखंड का खीरा काट रही है, देखिए ना यहाँ पे। और सब्जी जो है बन चुकी है, मूली की थिचौनी गोल मूले की। मैं इसमें डाल दूं दूध, सब्जी में दूध, इससे जो है सब्जी जो है चलमली हो जाती है, चलमली बढ़िया टेस्टी बनती है। सब्जी जो है बन चुकी है, ये दिल्ली की मूली भी काट रहे हैं। हम आज ही कपड़े चेंज करते हैं, स्कूल से आ गया मेरा भुल्ला, मैं खा रही गांव का खीरा। भाड़ी डोरा काटो, राधे यहाँ पे खा रहा गांव के खीरे के बीज, यहाँ बैठा है राधे। जैसे खाना बनकर तैयार है, मैं लेके आ गई आलू मूली की थिचौनी, भात, साथ में प्याज भी है, खीरा दिल्ली का नहीं, खीरा उत्तराखंड का, मूली दिल्ली की, और सुबह मैंने बनाई थी बीन्स, ये भी बहुत मस्त बनी थी सुबह की बीन्स। खाना साधारण तरीके से बनाती हूँ, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो मतलब तारीफ तो लायक हूँ। ठीक हो रहा है, हम खाते हैं आपकी चौड़े, मस्त हो रही है, साथ में प्याज। मारती खा रहे बाहर, दादी की बार खा रहा तो आज के ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर देती हूँ, दोपहर के खाने के साथ में। अगर आपको हमारी आलू मूली की थिचौड़ी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी जरूर करें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। बाय 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 बाय।